वेलकम टू संजय क्रैकर यूट्यूब चैनल। आपको हम इसमें एंटोनिम्स बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, जैसे सीजीएल, सीपीओ, 10+2, एसएससी, स्टेनोग्राफर में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। पहला है एडवर्सिटी, ऑप्शन नंबर देखिए एक एंगर है, फिर है ह्यूमिलिटी, थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका हम्बलेंस, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है प्रॉस्पेरिटी। तो एडवर्सिटी की जो हिंदी होती है वो होती है विपत्ति, और एंगर एंगर की जो हिंदी होती है क्रोध होता है, ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी की जो हिंदी होती है विनम्रता, और थर्ड नंबर है हम्बलेंस की हिंदी हो जाती है विनम्रता, और फोर्थ नंबर है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी की हिंदी होती है समृद्धि। तो एडवर्सिटी के जो विलोम होगा वो होगा प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट आपके सामने ये आ रहा है एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स होता है देखिए, और दूसरा है सेल्फिश ऑप्शन, मॉडेस्ट सेकेंड, थर्ड ऑप्शन आपका है लाविटी, और फोर्थ ऑप्शन आपका है प्राउड। तो एरोगेंट की जो हिंदी होती है अभिमानी, सेल्फिश की जो हिंदी होती है वो हो जाती है स्वार्थी, और मॉडेस्ट को मामूली, और लाफ्टी मीन्स होता है मुस्कुराहट, और नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर जैसे प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व। तो एरोगेंट की जो एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट है ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स देखिए, और फर्स्ट नंबर है नेवर, सेकेंड नंबर है समटाइम्स, और थर्ड नंबर है एनी टाइम्स, फोर्थ ऑप्शन आपका है सेल्डम। तो ऑलवेज की जो हिंदी है वो है आपको हमेशा, और नेवर नेवर की जो हिंदी होती है कभी नहीं, समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, और एनी टाइम मीन्स होता है कभी भी, और सेल्डम मीन्स होता है यदा कदा, मतलब बहुत दिनों की बात, कदा यदा कदा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल्डम। नेक्स्ट है अथेंटिक, अथेंटिक की जो एग्जाम्पल दिया गया है जेन्यून, सेकेंड ऑप्शन है फैक्चुअल, थर्ड ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन है रियल। तो ऑथेंटिक की जो हिंदी है वो है प्रामाणिक, और जेन्यून जेन्यून की हिंदी जो होता है वास्तविक होता है, फैक्चुअल फैक्चुअल की जो हिंदी होता है वो भी वास्तविक होता है, और फॉल्स फॉल्स मीन्स होता है असत्य, और रियल रियल मीन्स भी होता है आपका वास्तविक। तो ऑथेंटिक हो जाएगा फॉल्स, अर्थात नंबर तीन नंबर सही होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है पाँचवा एसेंट, एसेंट मीन्स होता है देखिए, इसकी हिंदी जो आपको ऑप्शन दिया गया है क्लाइंब, सेकेंड है डिसेंड, और थर्ड ऑप्शन है आपका है सोर, और फोर्थ ऑप्शन है राइज। तो असेंड मीन्स होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना, और क्लाइंब मीन्स होता है केवल चढ़ना, और डिसेंड डिसेंड मीन्स होता है नीचे जाना, और असेंड मीन्स क्या होता है ऊपर जाना, और सोर मीन्स होता है ऊंची उड़ान, राइज मीन्स होता है उदय होना वृद्धि होना। तो असेंड को जो हो जाएगा डिसेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।